गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इट्स नेम इज़ मैथ क्लासेस विद निशा। सो आज हम करने जा रहे हैं फाइंड थ्री रैशनल नंबर बिटवीन -6 और -7। -6 और -7 के बीच के थ्री रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो -6 और -7 लाई करता है ऑन नंबर लाइन इन द लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। क्लियर? बट देखने से पता चल रहा है कि -7/1 और -6/1, सो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया इसका। बट ये नंबर तो एक दूसरे के बिल्कुल नियरेस्ट हैं। बट कीप इन माइंड कि जो नंबर बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं उनके बीच में भी इनफाइनाइट जो नंबर रैशनल नंबर बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं उनके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। सो जैसे -7 और -6 हैं, इसके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं। अगर कोई पूछेगा कि हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, देन यू कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। सो अभी देखिए -6 और -7 है, तो अभी इसके बीच के नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमको करना क्या है, n+1 फॉर्मूला का यूज़ करना है। सो n+1 फॉर्मूला के लिए हमको स्टेटमेंट में गिवन है value 3। सो value 3 को नोटिस करना है, यहाँ 4 गिवन होता तो n+1 फार्मूला में n का value 4 होता, बट यहाँ पे 3 गिवन है तो n+1 फार्मूला में n का value 3 हो जाएगा। सो हेयर value of n is 3। सो पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, दिस इज 3+1 = 4। अगर यहाँ पे फाइंड 4 रैशनल नंबर होते तैो n का वैल्यू हो जाता 4, दैट इज़ 4+1 = 5। मतलब एक नंबर ज़्यादा जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर पोर्शन में भी और न्यूमिरेटर पोर्शन में भी -6 के। यू हैव अ -6/1, सो न्यूमिरेटर में भी 4 को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी 4 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है -24/4। सो इक्वलेंट रैशनल नंबर बन गया। अब इक्वलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, अगर हम इसको कट करेंगे 4 × 1 = 4 and 4 × 6 = 24, सो दिस इज़ -6/1। अगेन हमको सिमिलर नंबर मिल जाएगा। नाउ 7/1, तो 7/1 को भी डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आ गया -28/4, दिस इज़ ऑल्सो इक्वलेंट नंबर ऑफ -7/1। सो अभी हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, 6 -6/1 के प्लेस पे लिखेंगे -24/4 एंड -7/1 के प्लेस पे लिखेंगे -28/4। सो कन्वर्ट कर दिया है इसके इक्वलेंट नंबर्स में कन्वर्ट। सो वी हैव 2 नंबर -24/4, सो कैंसिल आउट कर देंगे तो वही सिमिलर नंबर बन रहा है -6/1, और यहाँ भी कैंसिल आउट कर देंगे -28/4 को, तो हमारे पास सिमिलर नंबर बन रहा है -7/1। सो ये इक्वलेंट नंबर हैं, तो हमें 2 इक्वलेंट नंबर मिल गए हैं, -6/1 के इक्वलेंट नंबर, -24/4 और -7/1 के इक्वलेंट -28/7। सो नंबर राइट कर लेंगे -24/7 और -28/4। अब इस इनके बीच के 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 3 रैशनल नंबर्स आर, दोनों नंबर लिख लीजिए पहले, -28/4 -24/4। अब बीच के नंबर मीन कि -25/4, -26/4, -27/4। दीज आर द 3 रैशनल नंबर बिटवीन द -6 और -7। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके पास 2 नियरेस्ट नंबर गिवन होंगे तो इक्वलेंट नंबर फाइंड आउट करके इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपको कोई भी जो मैं नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो डालूं तो आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।